सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्या है? मैं मदन गोपाल विधानसभा उपाध्यक्ष जनता पार्टी राट से। हमारा जो मांगे हैं वो 13 सूत्री थी, अब हम लोगों ने 15 सूत्री मांगे अपनी रखी हैं। उसका मेन उद्देश्य जो समाज में या फिर हम लोगों को जो अभी जिन चीज़ों से वंचित किया जा रहा है, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, नारी सुरक्षा से लेके कोई मुद्दा हो, यहाँ तक कि मजदूरों तक का मुद्दा, उत्पीड़न से संबंधित कई चीज़ें आई हैं, तो इनके संदर्भ में लगातार हम लोग आवाज़ उठाएंगे। विपक्ष होने के नाते या फिर राष्ट्रीय दल होने के, कोई राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग जनता की आवाज़ उठाएं। और लगातार जो डीजल पेट्रोल की कीमतें, महंगाई की जो हमें अगली सरकारों में झेलने को मिल रही थी, वही इस सरकार में समानता लगी है। और लगातार शोषित गरीब लोगों का यहाँ पर शोषण हो रहा है, तो हम तो यही चाहते हैं कि लगातार इन सब चीज़ों के विरोध में हम लोग ऐसा धरना देते रहें, आगे भी हम लोग ऐसा धरना देंगे लगातार। ये हमारा 23वां सोमवार है, प्रत्येक सोमवार हम लोग यहाँ धरना देने आते हैं, तो ये हमारा 23वां सोमवार है। हम जनता की मांगों को यहाँ लेके आते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, प्रयास तो सतत करना चाहिए, और हम लोगों की जो जागरूक अगर हम कर रहे हैं पब्लिक, तो हमारी ये विशेष मांग है कि जनता इस चीज़ को समझेगी, हमारा जो यहाँ आने का पर्पज है, उद्देश्य है, वो समझेगी। और लगातार हम किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर जो जिस प्रकार से यहाँ लगातार रेप की, दुराचार की खबरें यहाँ आती हैं, उन सब चीज़ से हमारा हृदय आहत होता है और चाहते हैं कि इस प्रकार के ऐसा वातावरण ना हो। जी, लगातार शिक्षा का भी इस प्रकार का हाल है कि लगातार बच्चों से लेके कोरोना का कोई टाइम के लेके शिक्षा भी बिल्कुल अछूती है, तो हम चाहते हैं कि अगर हो सके तो सरकारी टीचरों को गांव-गांव जाके उनका जो वेतन मिल रहा है, तो गांव-गांव जाके उनके कोचिंग बेस पर भी सरकारी टीचरों को वहाँ नियुक्त करके पढ़ाया जा सकता है। कई माध्यम है जिनके माध्यम से पढ़ाई उनकी वंचित ना करी जाए, उनको शिक्षा का जो लगातार बिगड़ा हुआ रूप है कोरोना टाइम से, मार्च के बाद उनकी शिक्षा का स्तर भी नीचे गिर गया, तो उन बच्चों का भी ख्याल करें और वहाँ जाके कोचिंग बेस पे भी एक सरकारी टीचर अगर चाहें तो सरकार नियुक्त कर सकती है। ये हमारा छोटा सा सुझाव भी है सरकार से। जी, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।